हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल मिस्टर अबाउट। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे विंडोज 10 के अंदर जब आप काली लिनक्स को इंस्टॉल करते हैं और उसको ओपन करते हैं तो फ्रेंड्स आपको लॉन्चिंग के टाइम पे ये एरर जो है आपको देखने को मिलता है। अब आज के इस वीडियो में जानेंगे कि इस एरर को किस तरीके से फिक्स किया जाता है, ये चीज़ जानेंगे। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप सभी को अपने अपडेट्स में आके चेक कर लेना है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है टोटली अप टू डेट होना चाहिए, ठीक है। हालांकि फ्रेंड्स अपडेट्स पुराने वर्जन के लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर पुराने वर्जन पे अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसको अपडेट कर लीजिए। उसके बाद आप अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में आइए और यहाँ पे जो है आप लिनक्स करके जब सर्च करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास लिनक्स के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपको विंडोज 10 के स्टोर में आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने काली लिनक्स अपने केस में इंस्टॉल कर रखा है तो मेरे सामने जो है, जैसे मैं इसको लॉन्च कर रहा हूँ तो मेरे सामने ये एरर जो है मिल रहा है। तो आप जो है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन को डाउनलोड कर लीजिए और जो भी आपको एरर आ रहा है उस एरर को फिक्स कैसे करना है, ये चीज़ जो है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जो है फ्रेंड्स, आप सभी को पावर शेल को सर्च करना होगा अपने कंप्यूटर के अंदर और इसको जो है आपको रन एस एडमिनिस्ट्रेटर करके जो है इसको रन करना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स एडमिनिस्ट्रेटर के राइट जो है कंपलसरी है, तभी जो है आगे के जितना हम प्रोसेस अप्लाई करेंगे वो चीज़ें अप्लाई होंगी। तो देखिए, हमारे सामने जब कंसोल ओपन हो जाएगा, यानी पावर शेल जब ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे जो मैं कमांड्स आपको बता रहा हूँ इन कमांड्स को आपको केयरफुली यहाँ पे डालना है। तो सबसे पहले जो है फ्रेंड्स, आप सभी को इस कमांड को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर देना है। अभी कमांड जो है एग्जीक्यूट होने के बाद क्या चीज़ होगा ये चीज़ बता देता हूँ। ये कमांड जो है फ्रेंड्स आपके कंप्यूटर में वर्चुअल मशीन का जो फीचर है उसको इनेबल कर देगी, अगर वो डिसेबल हो रखा होगा तो इसको इनेबल कर देगी। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसने इसको इनेबल कर दिया। तो यहाँ पे लिखा गया था ऑपरेशन कमांड जो है सक्सेसफुली यहाँ पे लिखा गया। अब आपको इस वाली कमांड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। ये कमांड भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा, आपको सभी कमांड्स जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। अब इस कमांड को भी आपको एग्जीक्यूट कर देना है। तो देखिए, जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो इंस्टॉलिंग जो है यहाँ पे चालू हो गया। ये कमांड क्या करती है फ्रेंड्स, WSL का जो फीचर है उसको इनेबल कर देती है। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है फ्रेंड्स, आपको जो है अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देना है। ये दोनों कमांड्स को एग्जीक्यूट करने के बाद आपको रीस्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, हम रीस्टार्ट कर देते हैं और ये कुछ अपडेट्स जो हैं यहाँ पे इंस्टॉल होंगे और उसके बाद कंप्यूटर जैसे दोबारा ऑन हो जाए, अब आपको इस लिंक पे जो है अपने ब्राउज़र को ओपन करना है। ये लिंक में जैसे आप अपने ब्राउज़र में आ जाएंगे तो देखिए, आप जो है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएंगे। आपको यहाँ पे स्टेप 4 में जाना है और यहाँ पे आपको देखिए दिख रहा होगा डाउनलोड द लिनक्स कर्नल अपडेट पैकेज, इस पैकेज को आपको डाउनलोड करना है। नीचे लिंक दे रखा है, इस लिंक पे ऊपर आपको क्लिक करना है और ये पैकेज जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ 16 MB का सेटअप है, बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। इस सेटअप फाइल को जैसे ही डाउनलोड होना है, होते ही आपको जो है इसको इंस्टॉल करना होगा। तो देखिए, हमारे केस में ये डाउनलोड हो चुका है, अब फटाफट जो है इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉलिंग प्रोसेस एकदम बेसिक सा है, जैसे सभी सॉफ्टवेयर्स का होता है। सिंपली आपको नेक्स्ट कर देना है, यस कर देना है और ये जो सॉफ्टवेयर जो है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। तो देखिए, हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, दोबारा से पावर शेल को ओपन करना है और आपको आना है रन एस एडमिनिस्ट्रेटर करके इसको रन करना होगा। और अब आपने जो WSL को इंस्टॉल किया है उसको एज ए डिफॉल्ट वर्जन पर सेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये कमांड है। तो इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, हमने कमांड डाल दी और यहाँ पे सक्सेसफुली ऑपरेशन आगे लिखा हुआ, तो इसका मतलब कमांड जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गई। अब आप जो है अपनी उस एप्लीकेशन को ओपन कीजिए। मैं अपने केस में काली लिनक्स को ओपन कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे सामने एरर आ रहा था वो एरर जो है फिक्स हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है आप इस एरर को फिक्स कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।